नमस्कार, आप एचएस बिहार देख रहे हैं। मैं हूँ अक्षय आनंद। शेखर सुमन कल सुशांत सिंह राजपूत के घर गए थे उनसे मिलने। उन्होंने उनके पिता से मुलाकात करने के बाद बॉलीवुड में जो नेक्सस चल रहा है, जो छोटे शहरों से आए हुए एक्टर्स को ख़त्म करने की साजिश रचता है, इस पर खुलकर बात की। साथ ही फोरम फॉर जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत के गठन की बात शेखर सुमन ने कही है। उन्होंने सीएम नीतीश कुमार से सहयोग भी मांगा है, मिलने का समय मांगा था हालांकि नहीं मिल पाया, और सलाह दी है नीतीश कुमार को भी कि वो सुशांत सिंह के परिजनों से एक बार मिले तो ज़रूर, और इस फोरम में साथ आकर इस तरह के जो भी टैलेंटेड यूथ खराब होते हैं मुंबई की महानगरी में, उनके लिए कुछ करने की बात शेखर सुमन कह रहे हैं। आगे उनका पूरा बयान सुनिए कि उन्होंने सुशांत के घर पर परिजनों से मिलने के बाद क्या कुछ कहा। जी बिल्कुल, किया जाता ना सिर्फ बिहार के लोगों के, कहीं से भी छोटे राज्य से लोग आते हैं उनको सबसे पहले दरकिनार करने की कोशिश की जाती है, उनको उनके सामने उनके मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया जाता है, उनको वो चांस ही नहीं दिया जाता है। वो मैंने कहा वो जो सिंडिकेट है वो उनको चांस नहीं देता है, और अगर वो अपने आप से अगर बड़े हो जाते हैं तो फिर या तो उनको मिटाने की कोशिश या उनको दबाने की कोशिश या उनको अपने दायरे में लाने की कोशिश रहती है। तो मैं ये कहना चाहूँगा जो भी वहाँ आना चाहता है पूरी दृढ़ता के साथ आए, पूरे मनोबल के साथ आए, और ये जान के आए कि ऐसा होता है और ऐसा होता रहेगा। लेकिन हम मुझे ऐसी उम्मीद है कि अगर हम इसी तरह से अपनी आवाज़ को बुलंद करें तो ये जो खौफ है, जैसे मी टू मूवमेंट के बाद अब ये खौफ है लोग कुछ करने या लड़कियों को मोलेस्ट या छेड़ने में, इनको एक्सप्लॉइट करने में डरते हैं जी। उसी तरह से इस खौफ की वजह से ये फिर ये जो प्रताड़ना है, ये जो जिस तरह से टॉर्चर किया जाता है या टैलेंट को दरकिनार किया जाता है वो कम हो जाएगा। मैं समझता हूँ कि इतनी बड़ी ट्रेजिडी है, इसमें कुछ बात करने की ज़रूरत नहीं है, उस दुख में शामिल होने की ज़रूरत है, और एक बिहारी होने के नाते और एक फिल्म इंडस्ट्री में सह कलाकार के लिए जो एक सपोर्ट की ज़रूरत है उसकी वजह से मैं यहाँ पर आया। मेरे लिए हम सब जो हैं अभी तक बहुत स्तब्ध हैं, और मुझसे बहुत लोगों ने ये कहा कि आप क्यों जा रहे हैं वहाँ पर, आपका क्या लगता है। मैंने कहा कि हम लोग एक ही मिट्टी से हमारी पैदाइश है, बिहार का एक बहुत बड़ा नाता है और एक जज्बाती नाता है, इसलिए मेरा जाना बहुत ज़रूरी होता है, और इसी वजह से मैं यहाँ पर आया हूँ। क्योंकि कोरोना के बावजूद बहुत लोगों ने कहा कि भी जाना सही नहीं है, पर मुझे ऐसा लगा कि ऐसे वक्त में ये सब नहीं देखा जाता, और मैंने एक मुहिम शुरू की है अपने आप ही सोशल मीडिया पर जिसका नाम है जस्टिस फॉर सुशांत फोरम। उसमें लाखों लोग जुड़ गए हैं, और हम सबकी एक यही मांग है कि जो हुआ है और जो दिखाई दे रहा है, जो आँखों को दिखाई दे रहा है, उससे कहीं कुछ ज़्यादा प्रतीत होता है, और जो मृत्यु के अकस्मात मृत्यु के बाद अचानक जो एक स्क्रिप्ट तैयार की गई, एक नैरेटिव जो था वो ये कि ये आत्महत्या है, बजाय इसके कि ये आत्महत्या प्रतीत होता है, ये होना चाहिए था, ये संदिग्ध मौत है। हम जांच पड़ताल करने के बाद ही, तफ्तीश करने के बाद ही आपको बता पाएंगे। देखिए, असलियत क्या है। सामना के जरिए सवाल उठाए कि उन्होंने फ्रस्ट्रेशन में आकर आत्महत्या की, और ये एक तरीके से नेपोटिज्म को भी सपोर्ट कर रहे हैं। जी, बहुत सारी वजहें हैं। मैंने इसके पहले और बहुत पुरजोर तरीके से कहा कि ये नेपोटिज्म का सवाल नहीं है, नेपोटिज्म जो है गलत शब्द है, ये गैंगिज्म का सवाल है। एक गैंग है, एक माफिया है जो हमारी फिल्म इंडस्ट्री में पहले बाहर अंडरवर्ल्ड के नाम से जाना जाता था, उसका स्वरूप बदल गया है। अब हमारी इंडस्ट्री में कुछ ऐसे लोग आ गए हैं जो जिन्होंने इंडस्ट्री पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया है, उनके कहे बगैर कोई पत्ता भी नहीं हिलता, वही जिंदगियां बनाते हैं और वही जिंदगियां बिगाड़ते हैं। कौन है वो? अरे कौन है, कौन है आप बता रहे हैं? देखिए, मैं आपको बता रहा हूं, अंडरवर्ल्ड जब है जो बाहर का है उसमें मालूम नहीं कि कौन कौन है, लेकिन अंडरवर्ल्ड है, उसमें नाम जानने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास कोई प्रमाण नहीं, लेकिन है ये इतना भी मालूम है कि ऐसा नेक्सस है जो लोगों को अपने बंधन में जकड़ लेता है, अपने दायरे में, और जो भी एक छोटे शहर से जो भी कोई आता है और जब कोई हुनर जो पनपता है
तो वो थ्रेटन्ड हो जाते हैं, उनके अंदर जो दायरे में लोग हैं उनको लगता है कि अब हमारा सिंहासन डोल रहा है, इसको या तो खत्म कर दो या इस नेक्सस इस सिंडिकेट में शामिल कर दो। अगर तो वो जी अगर वो जी सुन लीजिए बात, अगर वो जी हजूरी करता रहा, चापलूसी करता रहा, तलवे चाटता रहा तो ठीक है। अगर उसने जिस तरह सुशांत ने, मैं ऐसा समझ के चल रहा हूँ, बगावत की होगी या कहा होगा कि मुझे ये नहीं करना, ये फिल्में नहीं करनी है, इससे नहीं जुड़ना है, उससे नहीं जुड़ना है, उसका खामियाजा उसको भुगतना पड़ा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये वजह हो सकती है उसकी सुसाइड, लेकिन ये भी एक वजह हो सकती है। अभी तो सब जो है वो स्पेकुलेशन के दायरे में। मेरा ये कहना है कि जब लाखों करोड़ों लोगों के दिमाग में ये सवाल उठ रहा है कि जो दिखाई दे रहा है, जो प्रतीत हो रहा है, उससे कहीं ज्यादा कुछ है जी, तो सीबीआई इंक्वायरी कर लीजिए, इसमें क्या हर्ज है। हम चलिए मान लेंगे, आप हमें आश्वासन दिला दीजिए या हमें विश्वास दिला दीजिए कि आत्महत्या है। हमें कौन सा शौक है ये जानने के लिए कि ये हत्या हुई, ये तो कोई नहीं कह रहा है। लेकिन जो तथ्य बाहर निकल के आए उससे ऐसा प्रतीत होता है कि इसमें, इस खेल में और भी गुत्थी है, कुछ पेंच है जिनको सुलझाना चाहिए, कुछ अनसुलझे जो सवाल हैं वो एक प्रश्न चिन्ह बन के खड़े हो गए हैं और उसका निदान जरूरी है। दिस केस नीड्स अ क्लोजर, और क्लोजर तभी होगा जब इसकी सीबीआई जांच होगी। शेखर सुमन क्या करेंगे एक बिहारी होने के नाते? आवाज उठाएंगे, वही जो कर रहे हैं उसी के तहत तो मैं यहाँ आया हूँ, उसी जगह मुझे कहीं भी जाना हो, कुछ भी कहना हो, रोज जो है प्रेशर बिल्ड कर सकते हैं, एक स्टैंड ले सकते हैं कि हमें ये चाहिए, आप अपनी मांग कैसे मंगवाते हैं, या तो अब आवाज उठाते हैं। नीतीश कुमार से भी मिलेंगे, नीतीश कुमार से मुलाकात करेंगे? मैंने पूरी कोशिश की मैं उनसे मिल पाऊं, मैंने उन तक संदेशा भी पहुंचाया, लेकिन मुझे ये बताया गया कि कोविड की स्थिति की वजह से वो किसी से नहीं मिल रहे। मेरी इच्छा थी कि यहाँ की स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से ये खास तौर पे ये जोर डाला जाए, ये तवज्जो दी जाए कि महाराष्ट्र सरकार पे भी जोर दें और सेंटर पे भी, और बताएं और उन पे जोर डालें कि इसकी एक सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए। आपको क्या लेकिन अफसोस, एक बार क्या नीतीश कुमार ने क्या कहा कि वो भी मिलना नहीं चाहते क्या? नहीं, मुझे उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी का मैसेज आया था जी, श्री चंचल जी का, कि वो कोविड की वजह से वो नहीं मिल पाए, ठीक है नहीं मिल पाएंगे। मैं आया था, मैंने सोचा था कि इनके सुशांत के पिताजी से भी मैं मिलूंगा, उनको भी बताऊंगा इस फोरम के बारे में, उनका दुख शेयर करूंगा और मैं मुख्यमंत्री से भी मिल के जाऊंगा, लेकिन अफसोस नहीं मिल पाया। लेकिन मैं फिर उनको मैसेज के जरिए कह दूंगा मैं जो कहने आया। मुख्यमंत्री तो यहाँ पे भी नहीं आया अभी तक सर, अभी यहाँ भी नहीं आया। अब वो जाने क्यों नहीं आए, आना चाहिए था, मुझे ऐसा लग रहा है उनको आना तो चाहिए था जी। जी उन्हीं से तो मिलने आया, जी उन्हीं से तो मिलने आया, तो मैं उनसे कुछ कहने नहीं आया। सीएम नहीं आए, बिहार के सीएम है और बिहार का आना चाहिए था। बिहार के एक होनहार नौजवान के साथ ऐसी त्रासदी हुई है, उनको आना चाहिए था, बिकॉज आई स्ट्रांगली फील ही रिप्रेजेंटेड बिहार, द यूथ ऑफ बिहार। और बड़ी मुश्किल से, वो कहते हैं ना, बड़ी मुश्किल से इस तरह का हुनर वाला एक इंसान आता है, अपने बलबूते पर अपना एक मकाम तय करता है, ऊंचाइयां चढ़ता है, और इस तरह से एक जो तारा की तरह जो एक अवतरित हुआ आकाश में और फिर धूमिल हो गया और बुझ गया, आना चाहिए था, क्योंकि हम सब की ये नैतिक जिम्मेदारी है। किसी को हम दोषी नहीं मानते, सब अपने हिसाब से कहें। मुझे ऐसा लगा कि मुझे बोलना चाहिए, इस आवाज को उठाना चाहिए, मेरे साथ कोई आए ना आए, मुझे लगता है कि इसको जब तक अंजाम न मिले, मैं पर्दे पर होना चाहिए जी। इनकी एक फिल्म दिल बेचारा रिलीज होने वाला है, क्या इसे बड़े पर्दे पर होना चाहिए? बड़े पर्दे पे तो तब रिलीज होगा जब ये कोविड का सिचुएशन खत्म होगा जी, और ये कब खत्म होगा किसी को नहीं मालूम। जब तक वैक्सीन नहीं निकल जाता, कोई थिएटर में जाने वाला नहीं, तो अगर कोई जाएगा नहीं तो उस फिल्म का हश्र बुरा हो सकता है। कम से कम एक OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज होगा, कम से कम पूरी दुनिया जरूर देखेगी, और हम चाहेंगे कि पूरी दुनिया उनके इस आखिरी काम को देखे और सराहे फिर से। तो ये जो भी हो रहा है बहुत सोच विचार के किया जाए। तो सुना आपने शेखर सुमन को, उन्होंने बॉलीवुड में जो छोटे शहरों से आने वाले टैलेंटेड कलाकार होते हैं उनके साथ होने वाली शोषण की बात को भी साफ साफ रखा, साथ ही फोरम फॉर सुशांत सिंह राजपूत में सीएम नीतीश कुमार से समर्थन भी मांगी। उन्होंने यह बात भी चिंता जाहिर की कि आखिर क्यों नीतीश कुमार नहीं मिलने आए सुशांत सिंह राजपूत के परिवार से, और साथ ही साथ शेखर सुमन को भी जो समय नहीं मिल पाया नीतीश कुमार से मिलने का, इसको लेकर के भी थोड़े नकारात्मक से शेखर सुमन साउंड कर रहे थे। आगे देखना है कि बिहार सरकार क्या सुशांत सिंह राजपूत के लिए आगे आती है, कोई कदम उठाती है, क्योंकि कलाकार तो बहुत सारे आ रहे हैं, खेसारी लाल यादव, पवन सिंह और भी कलाकार, मनोज तिवारी, कई लोग आकर गए, किसी ने CBI जांच की मांगी, हर कोई अलग अलग बात कह रहा है।
और अब तो ये बहुत हद तक एक पब्लिसिटी स्टंट की तरह भी लगता है सुशांत के घर जाना, मगर सुशांत तो अब इस दुनिया में है नहीं, कोई उन्हें वापस भी नहीं ला सकता है, उन्हें इंसाफ दिलाने के लिए कोई क्या कर सकता है यह देखना होगा। और बिहार सरकार भी, अगर बिहार के एक लाल, एक टैलेंटेड होनहार युवा जिसने देश नहीं बल्कि दुनिया भर में बिहार का नाम किया, उसके लिए कुछ नहीं कर रही, तो ये रवैया बेहद ही नकारात्मक है। आप HS बिहार के साथ बने रहें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन भी दबा दें। खबरों को विस्तार से पढ़ना हो तो bihar.hs.news पर जाएं। और अगर ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करके सी फर्स्ट का ऑप्शन ज़रूर दबाएँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।